हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज महिपाल सिंह आई वेलकम यू ऑन गाइडली यूट्यूब चैनल आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है आपको ऐसा क्वेश्चन 2016 और 2017 जो एस बी आई या आई बी पी एस पी ओ मेन्स के एग्जाम हुए थे उनमें देखने को मिला था इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी ऐसे सॉल्व करने में क्वेश्चन ईजी है अगर आप लैंग्वेज को समझ जाएंगे

if ram covers 21 km in 1 hour and 24 minute along the stream then find the rate of stream matlab rate of stream or we can say that find the speed of the stream find the speed of the stream right तो so, rate बोले या speed बोले यहाँ पर उसका मतलब एक ही है हिंदी में भी आप question को पढ़ सकते हैं अगर आपको और समझने की जरूरत है तो एक बार सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना है सो so देट आपको आइडिया लगे कि आप कहां पर अटक रहे थे राइट right? जैसा मैंने कहा क्वेश्चन आसान है अगर आप लैंग्वेज को समझ जाए तो अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा राइट right? चलिए मैं आपको सीधे सॉल्यूशन बताऊंगा बट बत आप एक बार वीडियो पोज करके क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा चलिए सॉल्यूशन देखते हैं देखिए यहां पर सीधे सीधे आपको दे रखा है इफ राम कवर्स ट्वेंटी वन किलोमीटर इन वन आर एंड ट्वेंटी फोर मीटर अलॉन्ग दीम अलोंग द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है ये आपका जो पार्ट कैलकुलेट होने वाला है ये स्पीड इन डाउन स्ट्रीम निकल के आएगा तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम जो आपका निकल के आता है वो अलोंग द स्ट्रीम होता है तो ये जो 21 वन किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो इन्होंने 1 आर एंड 24 मिनट 1 आर कितना होता है 60 मिनट तो 84 मिनट एट्टी फोर बाई सिक्सटी तो इन सिक्सटी ऐसे कर देंगे तो क्योंकि आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो मैंने मिनट को ऐसे लिख लिया और बाई सिक्सटी कर दिया तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा और जब आप कैलकुलेट करेंगे ये सीधे सीधे चार बार कट रहा है और ये सीधे सीधे ये आपका चार से पंद्रह बार कट रहा है राइट तो आप स्पीड इन डाउन स्ट्रीम आपका क्या आ गया आपके पास आ गया फिफ्टीन और डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या होता है बोट और स्ट्रीम की स्पीड दोनों को मिला के होता है तो पहला इक्वेशन आपका सॉल्व हो गया कि बोट और स्ट्रीम दोनों की अगर स्पीड को मिला के देखा जाए दैट मींस डाउन स्ट्रीम आपको 15 दे रखा था राइट right? अब देखिए ये जो P और Q का जो डिस्टेंस है वो है x किलोमीटर क्या बोल रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द स्ट्रीम इज थ्री टाइम्स द टोटल डिस्टेंस तो P और Q का टोटल डिस्टेंस कितना है x इसका तीन गुना था तो ये जो अलोंग द स्ट्रीम तो आप ये बोल सकते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, right? और और तो DU मैं मान रहा हूं. Distance in downstream, distance in upstream. और ये दो गुना दे रखा था आपको अब इसी पार्ट में और क्या दे रखा है इफ द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम इज टेन परसेंट लेस देन टू कवर द डिस्टेंस अगेंस्ट स्ट्रीम अब देखिए अब ध्यान से देखना कि अपस्ट्रीम स्पीड की अगर बात करेंगे तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा बी माइनस एस यही तो होगा स्पीड ऑफ right? स्ट्रीम पूछा, पूछा है आपसे यही आपसे पूछा गया है राइट right? तो मैंने अपस्ट्रीम को क्या मान लिया बी माइनस एस बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो रखी है तो आप यहां पर इस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो कि अगर टोटल इस टोटल डिस्टेंस को अलोंग द स्पीड स्पीड से कवर किया गया तो डाउन स्ट्रीम स्पीड से कर, कवर करेंगे तो एस डी मैं लिख देता हूं यहां पर जो टाइम लगा वो क्या था टेन परसेंट लेस देन टेकन टू कवर द डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम ध्यान से देखना आपने जो ये थ्री एक्स का डिस्टेंस कवर किया अलोंग द स्ट्रीम राइट अलोंग द स्ट्रीम इस इसमें जो टाइम लगा वो दस परसेंट कम था 90%, of, 90 of 2x upon speed in यही तो बोल रहा था इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 3x एक्स अपॉन में फिफ्टीन आ जाएगा क्योंकि आपके पास डाउन स्ट्रीम स्पीड तो दे रखा है दैट इज इक्वल टू नाइनटी को क्या लिख सकते हैं जीरो राइट जीरो पॉइंट नाइन लिख सकते हैं और इनटू क्या जाएगा आपके पास टू एक्स और अपॉन में क्या जाएगा बी माइनस एस तो b माइनस एस की वैल्यू हम यहां से निकाल पाएंगे कैसे x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा राइट right? अब आप ध्यान से देखना तीन से ये आपका 0.3 टाइम्स कट रहा है अब जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास b माइनस का वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन आ जाएगा अब देखिए आप, दे, दे रखा है तो बी प्लस एस आपको फिफ्टीन दे रखा है राइट right? कितना आसान क्वेश्चन है बस आपको छोटा सा इक्वेशन सोल्व करना था छोटा सा इक्वेशन सोल्व करते आपका ये ऐसा कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना आ गया आपके पास ट्वेंटी फोर तो बोट का जो स्पीड अगर पूछा जाता तो 12 किलोमीटर पर आर आ जाता आपके पास लेकिन बी प्लस एस कितना है कितना आ गया आपके पास? 3 किलोमीटर पर आर अब आपका आंसर जो हो गया वो हो गया बी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था बट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन वॉज वेरी ट्रिकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब आप डेफिनेटली आप अगर सर्च करना चाहो ना तो ये क्वेश्चन सर्च करना आपको 2016 या 2017 के आईबीपीएस पीओ या तो एस बी आई पीओ मेन्स लेवल का क्वेश्चन है ये दैट मीन्स दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम इन टू द एस एस सी मेन्स लेवल राइट right? तो आपका जो अर्थामेटिक वाला पार्ट होता है वो सिमिलर सिमिलर सा ही होता है जैसे मिसलियस के क्वेश्चन बैंकिंग में आते हैं वैसे ही अर्थाम में एस एस सी में क्वेश्चन तो के लिए जो आपके कंप्लीट वीडियो लेक्चर ऑन ईच टॉपिक हर एक टॉपिक पर वीडियोज हैं और उन पर प्रैक्टिस पीडीएफ भी अवेलेबल है उन पर क्विज अवेलेबल है पीडीएफ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन पर्सनल गाइडेंस इन टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर सारी चीजें आपको बताई जाती हैं यहाँ पर सारी चीजें हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी है प्रीवियस ईयर मेंस रिकैप है ऊपर से इसमें सारी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है मॉक टेस्ट सीरीज जो कि अलग से आपको हमेशा खरीदनी पड़ती है तो ये सारी चीजें आपको केवल और केवल फोर्टीन में मिल रहा है तो इससे अफोर्डेबल और इससे अच्छा कोर्स आपको बैंकिंग के लिए कभी मिल ही नहीं सकता और मैं कंटेंट की गारंटी देता हूं आपको कि इससे अच्छा कंटेंट आपने नहीं पढ़ा होगा हम फ्री क्लासेस में इतना अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं तो आप समझ लो पेड क्लासेस में हम क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे राइट right? अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप इस पर इस नंबर पर फोन कर सकते हैं और यहां पर मेल कर सकते हैं आपकी क्वेरीज का रिप्लाई किया जाएगा आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना थैंक यू सो मच बाय बाय एंड टेक केयर